लो ऑन बजट हाई ऑन स्पिरिट्स, कोई मसला नहीं है। कैसे हैं आमाद भाई? रीटेक राउंड टू। ये एक्चुअली राउंड टू है हमारे, क्योंकि हमारे कैमरा में स्पेस ख़त्म हो गई थी। पता नहीं स्पेस, हमें एक टेक्निकलिटीज़ का भी नहीं पता, हमारा कैमरा अचानक से बंद हो गया था। तो 20 मिनट का इंट्रो सेशन है एक तरीके से, ट्राइंग टू एक्सप्लेन के क्या करने की कोशिश हो रही है और क्यों हो रही है। मोर अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों हो रही है? आप कुछ इस पर समझाने की कोशिश करें, मैं पिकअप करता हूँ आगे से। भाई देखिए, हम एक दूसरे को ऑलमोस्ट 13 साल से जानते हैं। हाँ फुटबॉल साथ खेली है, स्कूल साथ गए हैं, सबसे पहली लड़ाई साथ, मेरे ख्याल मेरी सबसे पहली लड़ाई तुम्हारे साथ ही हुई थी, आपस में हुई थी पहले बस दिन। में सीट के ऊपर हुई थी। फर्स्ट डे, सबसे पहला दिन मिले थे, तो मैं तो पहले से ही जाता था वैन में, मिलने नहीं आनी था। हाँ मैं वापस आया यू वर द था, न्यू गाय ऑन द ब्लॉक। न्यू गए ऑन द ब्लॉक हियर टू डिफेंड हाँ माई सेल्फ। तो अपने आप को बचाने के लिए मैंने तुम लड़ाई बस पे शुरू पहले की। चढ़े थे, मैं फिर बाद में आया था। मेरे लिए बड़ा ऑड था कि ये कौन बंदा बैठा है मेरी जगह पे। फिर चीज़ें हीटेड थोड़ी हो गई थी, थोड़ी गाली गलौज भी हुई थी। ये बताना ज़रूरी है कि हम 5 टास्क में हाँ, देता। ये हम 5 क्लास में थे, बहुत छोटे थे। खैर कमिंग टू द पॉइंट कि कमिंग टू द क्यों पॉइंट। हाँ, पॉडकास्ट शुरू कर रहे और साथ हैं, क्यों शुरू कर रहे साथ हैं? क्यों शुरू कर रहे हैं। एक ये कि 12 साल से साथ हैं, पिछले 4 सालों से साल में 2-3 दफ़ा मिलना होता था, लेकिन वो एक एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए। मैं लाहौर से छुट्टी पे आता था 2 महीने या 3 महीने के लिए, तो वी वुड स्पेंड टाइम टुगेदर, जिम जाते थे, खाना साथ खाते थे। और ये तब से लेके अब तक एक जो मैं मेरा एंटी सोशल बिहेवियर का पैटर्न चल रहा है वो ये है कि कराची में अब 6 महीने से हूँ, एक आप हैं और एक आधा कोई बंदा और है जिससे मैं 6 महीने में मिले मिलता हो? हूँ या मिला हूँ, उसके अलावा मैं किसी से नहीं मिलता। वन रीज़न बींग कि हम कराची के एक कोने में बैठे हुए हैं। लेकिन अगेन कमिंग टू द पॉइंट, पॉडकास्ट इसलिए शुरू कर रहे हैं कि यार पिछले 3 महीने जो इस पर हम साथ रहे हैं, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आई है हर चीज़ में, हर चीज़ में, हमारी कॉन्वर्सेशंस में, हमारी किस तरह कॉन्वर्सेशंस द में। वे यस वी सी ईच अदर, सी आर सेल्स इन आर कंपनी। मतलब कि मुझे नहीं याद पड़ता कि हम पिछले जो 3 साल में जो पहले मिलते थे, हम इतना ओपन होते थे, हम ये चीज़ें डिस्कस करते थे। क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स, एज पर्सनालिटीज़ एनहांस हो गए, थिंकिंग मेंटालिटी बढ़ गई है, मूविंग अहेड इन लाइफ। पहले हम लड़के किस चीज़ के बारे में अच्छा बातें आई वुड करते थे? डिसएग्री विद दैट। वो इसलिए कि जब हम पहले भी इस पे बात कर रहे थे, नेचुरली अगर आप देखो तो होना तो ये चाहिए आपकी, एज यू ग्रो ओल्डर, आप बड़े होते हो, आपकी ज़हनी तवानाई, ज़हनी ताकतें, कुव्वतें इन्हांस होती हैं। लेकिन जो हमने पिछले 3 महीने में एक्सपीरियंस की है वो अननेचुरल और अनयूजुअल है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और जिस हम डे एंड एज में रह रहे हैं, और ये सिर्फ स्पेसिफिक टू आर जनरेशन नहीं है, ये हमारे ऊपर वाली जनरेशन में भी है, हमारी नीचे वाली जनरेशन में शायद ज़्यादा होगा। क्या होगा कि कम्युनिकेशन आपस में निल है, सोशल डिस्कनेक्ट, सोशल डिस्कनेक्ट, इंडिविजुअल डिस्कनेक्ट, आपका अपने साथ डिस्कनेक्ट बेसिकली है, डिस्कनेक्ट। बेसिकली डिस्कनेक्ट है। उसकी वो जो बात हो रही थी कि बज़ाहिरन सोशल मीडिया ने आपको बहुत करीब कर दिया, सही है, आप सुबह उठते हो, आप मुंह हाथ धोने से पहले अपना इंस्टा चेक करते हो कि मुझे किसी ने मैसेज तो नहीं किया, या स्नैपचैट, मुझे मेरे कोई कमेंट, स्नैपचैट, फेसबुक आप देखते हो, फिर आप कहते हो ओह वही दिन है आज भी, सही है, और फिर आप मुंह धोते हो अपना। तो द पॉइंट बीइंग के मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस हो ही नहीं रही। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन क्या है? वो ये है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि एज अपोज टू लास्ट टाइम आपकी तबीयत काफ़ी नासाज हुई है। बस यही मौसम है कराची का। अब 2 बजे रात को बैठ के ऐसी पागलों वाली हरकतें करेंगे तो यही होगा। खैर एज अपोज टू लास्ट टाइम इस बार एक बहुत ही प्रोफाउंड इंटरेक्शन हुआ है आपके साथ, और एक हमारे एक आध और जो दोस्त भाई हमारे साथ बैठते हैं उनको हम फिर कभी हमारे डिस्क्लोज इमीडिएट करेंगे, सर्किल में SMT को। जो SMT। वो ये हुए कि वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दोज थिंग्स, उन चीज़ों पे बात हमने की जो पहले नहीं होती थी।
या फिर कर नहीं पाते थे। दोनों चीज़ें, और पब्लिकली जिस तरह अभी हम कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों में बात करने, जिसकी अभी हम एक मिसाल भी डिस्कस करेंगे, वो भी एक रीज़न है इस पॉडकास्ट का एक उस पॉडकास्ट का एसेंशियली। रीज़न है कि थ्रू डायलॉग, थ्रू कॉन्वर्सेशन, आपस में इक्वल टर्म्स पे, दोस्तों की हैसियत से जब हमने कुछ चीज़ों पे बात की, तो अपनी कमी पेशियों का बहुत बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो गया। उसकी एक मिसाल जो ये है कि भाई मसले तो हमारी समाज में, माशरे में, सोसाइटी में, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक इतने हैं कि अगर आप उनको लिस्ट डाउन करना शुरू करो तो आप पूरी रात आपको लग जाए। उस दिन हम बात कर रहे थे कि अब हम, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट दिस, एक अपने मसले से बात शुरू करते हैं समझ गया। कि नहीं, वो वाला बड़े वाला मसला नहीं, अभी उसका टाइम नहीं आया, वो उसका टाइम शायद बाद में है। एक कुछ मसला एपिसोड्स ये बाद। कि जिम के बाद हम रोज़ बैठ के धक्के खाते हैं, सही है, प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इंटेक हमने अपनी आप रखनी होती है। अब हम उधर बैठे होते हैं, वो एक पब्लिक स्पेस है, ठीक है। अब पब्लिक स्पेस में आप अपने खाने का इंतज़ार कर रहे होते हो, यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, आप देखते हो, और ये किसी भी पब्लिक स्पेस में, चाहे आप मलीर कैंट में बैठे हो जिस तरह हम बैठे हैं, चाहे आप कहीं और बैठे हो, आपको पब्लिक स्पेस में कुछ पैटर्न्स नज़र आएंगे। एक जो पैटर्न हमने नोटिस किया था वो ये था कि अब ये थोड़ी वनरेबिलिटी और इवन एम्बेरसमेंट की बात है, लेकिन हम बैठ के खाने का इंतज़ार कर रहे थे और ये एक आज ही बार नहीं, हुआ है, ये आज फिर हुआ है, आज फिर आज हुआ फिर हुआ है। है, आज फिर हुआ है। कोई लड़की या खातून गुजरे तो आपकी निगाह ना यूं मुड़ के जाती है, आपसे मुराद मेरी, आपकी, और हमारे सबकी, हमारे वहाँ पे जो के बाकी 100% भाई भाई मर्तजरात बैठे होते हैं होते उन सब की मान जाती है, ठीक है। और ये बड़ी कोई, मतलब ये कोई डिस्कवरी नहीं है, डिस्कवरी ये है कि जो जिस बात से उलझन हो रही है वो ये कि इतनी ये कॉमन है कि जब मैं ये कह रहा होता हूँ या तू ये कह रहे होते, तो हम इस बात से तंग नहीं होते कि हम दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं, कोई शर्म नहीं है, समझ रहे। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़ास तौर पर, गलत चीज़ें आप करते हो छुप के कि किसी को पता ना चले, वो मेरा एक राज है कि मैं एक्स वाई जी काम तनहाई में करता हूँ, अच्छे काम है बुरे काम है छोड़ो। ये एक ऐसी चीज़ थी जो बड़ी पब्लिकली हो रही थी, होती है, और उसमें कोई आपको हेजिटेशन नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है। वी नोटिस्ड कि ये चीज़ हम खुद कह रहे हैं, और फिर वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि ये चीज़ हर बंदा कह रहे हैं और हमसे ज़्यादा दिलेरी से भी कह रहे हैं काफ़ी लोग, ठीक है। तो हमने इस चीज़ पे बात की बड़े ओपनली, और वो इसलिए हो सकी, मतलब मेरा भाई बैठा होता तो उससे मैं ये बात ना कर सकता, सही है, या मेरे वालिद साहब बैठे होते उनसे मैं ये बात ना कर सकता, या वो मुझसे बात ना करते, वो ये देख के मुझे शायद ना कहते कि क्या कह रहे हो, सही है। क्योंकि हम दोस्त थे, हमने ये बात की, और आई नोटिस्ड के दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा उसी बात को, एक दफ़ा एक्नॉलेज करना काफ़ी था, उसके बाद आई नोटिस्ड के हमारे बिहेवियर में एक चेंज आना शुरू हो गई थी। एटलीस्ट जब हम साथ होते थे तो वो पैटर्न टूट रहा था कहीं पे। तो जिस पर मीर कॉन्वर्सेशन, बातचीत करने से, कुछ टैबू चीज़ों पे, कुछ इतनी ट्रिवियल और आम चीज़ों पे बातचीत करने से मुझे महसूस हुआ कि मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उसी स्केल को एक सेंस में वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी, में भी हम एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इस तरह के मसले डिस्कस कर सकें। और ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग मसला है, सही है। और भी अगर आपके जेन में रीजंस आ रहे हैं कि हम ये क्यों पॉडकास्ट कर रहे वुड हैं, बी तो भी ओपन के हम लोगों को बुला के उनकी लाइफ डिस्कस करें। इफ देयर समवन यार हु वांट्स टू हाँ, कम अप, कुछ बात करना चाहे, हमारे साथ कोई बात करना चाहे, इफ दिस वांट समथिंग, इफ इट्स समथिंग दे वांट पीपल टू नो, कि लोगों को पता चले। डू यू थिंक दिस कुड बी अ प्लेटफॉर्म? यार दी, मतलब दी आइडिया इज इन द होप इज कि यस, क्यों, रीच आउट टू क्योंकि मोर पीपल एट द रीच आउट एंड टू ऑफ द मोर डे। पीपल इन अ वे कि, अब इसका एक दूसरा पहलू बताता हूँ, ये तो एक हमने पर्सनल एग्जांपल दे दी कि किस किस्म का मसला, मसला नहीं तो किस किस्म के डोमेन में बातचीत की जा सकती है। बिकॉज एवरी वन इज़ नॉट ओपन टू इट, हाँ, हर कोई तैयार भी नहीं होता कि भाई, कुछ लोग होते हैं जो
चीज़ें अपने ज़िंदगी के मसाइल एक्सेप्ट कर चुके होते हैं इस हद तक कि वो बस कहते हैं कि हम तक ही रहे, हो गया है, बस हो गया है, बात नहीं करते. लेकिन कुछ होते हैं जो यू नो वही दे उसकी वांट टू बी आउट उसकी देयर. दूसरे लेवल पे अगर हम इसी चीज़ के बाद ऊपर बात करें तो वही है कि पिछले 2-3 सालों में आई नोटिस्ड वो सोशल मीडिया वाली सारी बात हो रही थी और कनेक्टिविटी की बात हो रही थी और सेंसिटिविटी की बात हो रही थी कि बंदा कितना हसास होता है कि एक दूसरे से इस तरह बात करता है। मेरे इतने दोस्त हैं जो परेशान हैं ज़िंदगी में, हमारी मतलब 24-25 साल के एज रेंज में हम हैं। मेरी इस एज के जितने भी दोस्त हैं, कुछ लड़कियां कुछ लड़के, काफ़ी ज़्यादा लोग या तो डिप्रेशन में या तन्हाई में या डरे हुए हैं या गुमे हुए हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जिस तरह आप बड़े होते हो, आप ज़िंदगी को एक ब्रॉडर और वसी जाविये या लेंस से एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, स्कूल में आपको टेंशन नहीं होती थी कि मैंने पैसे किस तरह कमाने हैं, मिसाल दे रहा हूँ, सही है। अब मेरे दोस्त ग्रेजुएट हुए हैं मेरे साथ इस साल, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें नौकरियाँ मिल गई हैं या नहीं मिली। उन्हें एक टेंशन है कि यार ये हालात ज़िंदगी के चेंज हो रहे हैं, इसमें मेरा रवैया क्या होना चाहिए दुनिया के साथ, अपने साथ, और मैं किस किस्म की ज़िंदगी गुजारूं जिससे वो तन्हाई दूर हो सके, वो अकेलापन दूर हो सके, वो डिप्रेशन दूर हो सके, वो खौफ और डर दूर हो सके। क्योंकि कोई तो शदीद मसला है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई बहुत शदीद मसला है कि लोग एटलीस्ट, और शायद मेरा, मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे लिमिटेड स्कोप और एक्सपीरियंस में मैं जिस बंदे से बात करता हूँ, और नॉट सरप्राइजिंगली अगर मैं अपने से बड़ों से बात करूँ, सही है, अपनी जनरेशन से हट के आगे अपने किसी बड़े से बात करूँ, तो ये नहीं है कि उधर ये मसला नहीं है, उधर मसले की गहराई अलग और है बिल्कुल. गहराई अलग है और मसला काफ़ी आगे जा चुका है। टू द पॉइंट के कितने लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर ऐसे ऐसे जज्बात दबाए हुए हैं जो उनको अच्छा शोहर बनने से रोक रहे हैं, अच्छा भाई बनने से रोक रहे हैं, अच्छा पाकिस्तानी बनने से रोक रहे हैं, सही है। तो ये एक ब्रॉडर गोल या एम है इस पॉडकास्ट का, पाकिस्तान में और अच्छे पॉडकास्ट भी बन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, पाकिस्तान जो में एक इस चीज़ की एक मार्केट या एक वैक्यूम, मार्केट तो आप ज़रा मॉनेटरी उसमें चले जाते हो, एक वैक्यूम इस चीज़ के देर हैज़ टू बी अ प्लेटफॉर्म और देर हैज़ टू बी अ मीडियम, नॉट इवन अ मीडियम, देर हैज़ टू बी एन एग्जाम्पल कि यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो हाँ, एंड किसी दिस इज ने ऑल इट टेक्स. एक बस वही बात होगी. अमीर मीडियम. अमीर मीडियम, बहुत कम बजट आपको चाहिए, सस्ते माइक्रोफोन्स चाहिए और एक थोड़ी सी दवा चाहिए जिस पे आप चीज़ें चिपका सको, वो भी नहीं, ये तो चलो एक वो है, आपको एक शख्स चाहिए, जिसके आपको साथ एक आप जगह कनेक्ट कर चाहिए सको. और एग्जैक्टली. आपको थोड़ी सी थोड़ा बहुत शौक भी चाहिए. यार हाँ हर कोई इस तरह बैठ के बात नहीं भी कर सकता. ये भी यार सारा हाँ पॉइंट है. नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको बात ना करके अगर आप सुकून में हो तो फिट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार कोई मसला है या मैं किसी चीज़ से तंग हो रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो फाइंड समवन यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद। और अगेन ये तो हम टिप ऑफ द आइसबर्ग हम टच कर रहे हैं, तो यस द आइडिया इज़ के और लोग हैं यहाँ पे हमारे जेन में, वी वर ब्रेनस्टॉर्मिंग, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी हु हैव स्टोरीज टू टेल, जिनके साथ कुछ हुआ है ऐसा, दे वुड वॉन्ट पीपल टू नो. काफ़ी ऐसे होंगे और हैं भी जो नहीं भी चाह रहे बात करना. देन अगेन वही बात है ना, जो जो कंफर्टेबल है वो करे. पब्लिकली बात करने में लोगों को हाँ मसला होता है, लेकिन यार हाँ लोगों की एंड दैट्स ऑर्डिनरी, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है, हाँ इट्स इसमें कोई नॉर्मल. मसला नहीं है, हाँ ऑर्डिनरी पीपल हु हैव एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरीज टू टेल, सही है। और हमें ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है,
वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग वही बात को वापस शुरू में लेके जाते हैं, लेट्स ट्राई टू वाइंड दिस अप। आपस में हमने जब बात करना शुरू की थी तो हमारे कितने ऐसे मसले हैं जिनको हमने वो स्टेज दिया जो उनको पहले नहीं मिल रहा था, उनको रोशनी मिला है। बात हम साथ करते हैं, तन्हाई में हम उनको कन्फ्रंट करते हैं उन मसलों को, और फिर हम वापस आके बात करते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। मेरे साथ ये हुआ, हाँ ये क्या है। यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ। हाँ आप अपनी ज़िंदगी एक गुजार रहे हो, उसमें आपके साथ चीज़ें होती हैं, और लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दोज थिंग्स। मौत, सही है। हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं जो पिछले 5 सालों में या 6 सालों में, यू नो, दे पास्ट हुए। ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ प्रोफाउंड थिंग्स लाइक दैट, भारी चीज़ों का को समझने की कोशिश करना। बुरी आदतें हमारी, कितनी ऐसी बुरी आदतें हैं जो हमने आपस में डिस्कशन करके उनको कर्ब करने की कोशिश की है, और काफ़ियों में कामयाब हुए हैं। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। ज़िंदगी में कितनी कंसिस्टेंसी आना शुरू हो गई है सिर्फ बातचीत करके, क्योंकि मेरे लिए एक सपोर्ट है कि दिन जैसा मर्जी गुजरे, शाम में मैं अपने दोस्त से मिलूँगा तो आई कैन गेट अ सेकेंड ओपिनियन ऑन थिंग्स। एग्जैक्टली, जस्ट अबाउट द जनरल थिंग्स इन लाइफ। आज मैंने ये किया है, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और बातें हमारी भी इसी तरह शुरू होती थी, हम आगे कुछ डिस्कस करते थे, आज ये गलत काम हुआ है, देन इट स्टेम्स फ्रॉम इट, और जस्ट टॉक हाँ, अबाउट इट।